बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके पास बीएड की डिग्री है और जो बीपीएससी पीआईटी का पेपर देने जाने वाले हैं, उनके लिए रोज नई नई खबरें आ रही हैं, रोज नए नए भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या भैया बीएड वाले पीआईटी का पेपर जो देंगे तो बाद में उनका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? जैसा केबीएस का रिजल्ट रोक दिया गया है, क्या उसी प्रकार बीएड का रिजल्ट बीपीएससी पीआईटी में रोक दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? और हमारे अतुल प्रसाद जी हैं, बीपीएससी के चेयरमैन हैं, बहुत ही पढ़े लिखे और सज्जन व्यक्ति हैं। बिहार में तो हम नहीं रहते हैं, लेकिन बिहार के जो स्टूडेंट मैसेज करते हैं उनसे पता चलता है कि जब से ये बीपीएससी में आया है तब से बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। बिहार के जो आपका लोक सेवा आयोग है, इनका जो ट्वीट है कल परसों का, उस पर भी वीडियो बनाई गई थी। उसमें उन्होंने साफ साफ यह बताया था कि भैया एनसीटीई ने मना कर दिया है, अब आप लोग अपना अपना देख लो, यानी बीएड वाले अपना अपना देख लो, आपके पास इतना बुद्धि विवेक है कि फैसला कर सकते हैं। हम जो है एग्जाम को ना तो टालेंगे, एग्जाम अपने समय पर होगा, और बाकी जब परीक्षा फल बनेगा, जब आपका रिजल्ट बनेगा, तो वहां पर आपकी योग्यता देखी जाएगी। ऐसा इन्होंने अपना जो परसों इंटरव्यू दिया था उसमें साफ साफ कहा भी था, उनका ट्वीट भी आया था। तो उस पर वीडियो बनाई थी, उसमें बताया गया था कि बीपीएससी पीआईटी में भैया इनके बयान के अनुसार, हमारे अध्यक्ष जी के बयान के अनुसार बीएड खतरे में है। लेकिन आज इन्होंने बीएड के पक्ष में ट्वीट करने का जो है साहस किया है, और उन्होंने यह सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से भी अनुमति मांगने की कोशिश किया है कि बीएड के ऊपर जो खतरा आया है उसमें उन्हें रिलैक्स किया जाए, रिलैक्सेशन दिया जाए, कुछ छूट दिया जाए। पहले इनका हम लोग ट्वीट पढ़ते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है, राइट टू लाइफ आर फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारा जो जीवन होता है वो फंडामेंटल मौलिक अधिकार होता है। इफ आ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रिस्क्राइब अ रोड मैप, यदि कोई सक्षम अधिकारी है या अथॉरिटी है वो रोड मैप बनाती है टू जो अर्न लाइवहुड यानी कि जीवन जीने के लिए, एंड लेटर और बाद में ऑन दैट रोड वाज सडनली क्लोज्ड, और उस रोड को अचानक से बंद कर दिया जाए। कोई रोड बनाएगा और फिर बाद में बंद कर दिया जाए तो उनका क्या होगा जो उस रोड पर चल रहे हैं? हाउ विल दोज लाइफ विथ डिग्निटी हु आर स्टैंडर्ड ऑन द रोड, जो उस रोड से जुड़े हुए हैं चल रहे हैं, उनका क्या होगा? देयर मस्ट बी सम इवैक्यूएशन, साफ साफ इन्होंने लिखा है इवैक्यूएशन प्लान, कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। पैसे शुड बी अलाउड टू देम, उनको कुछ ना कुछ ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए। अगर आप कोई रोड बना रहे हैं, उन्हें आशा उम्मीद दे रहे हैं कि भैया तुम्हें जो है फार्म भरो, तुम्हें हम सरकारी नौकरी देंगे, और फिर आप उन्हें अचानक से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, यह इनके कहने का सीधा सीधा मतलब है। इसका हिंदी अर्थ भी यहाँ पर बगल में लिख दिया गया है, जीवन एक मौलिक अधिकार है, यदि कोई सक्षम जो अधिकारी होता है वो आजीविका कमाने के लिए रोड मैप तैयार करे। आजीविका कमाने के लिए रोड मैप तैयार करने का मतलब होता है बीपीएससी पीआईटी की भर्ती निकाले, उसमें सभी अभ्यर्थियों को अलाउड करें, चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी हो, कि भैया आप भरो, अगर पास कर लोगे तो हम आपको रोजगार देंगे, यानी कि अच्छा खासा कमाना और आराम से जिंदगी गुजारना। और फिर क्या हो, वह प्रक्रिया अचानक से बंद कर दी जाए तो लोग सम्मान के साथ कैसे रहेंगे जो सड़क में फंसे हुए हैं? तो यानी कि अगर बीच में हम किसी को रोक देते हैं तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? कुछ निकासी योजना होनी चाहिए, साफ साफ इन्होंने लिखा है कुछ निकासी योजना होनी चाहिए और उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए। यानी कि ये जो ट्वीट है हमारे अतुल प्रसाद जी अध्यक्ष महोदय का, इनका साफ साफ कहना है कि बीएड वालों के लिए कुछ निकासी यानी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, और उसको करने के लिए इन्हें यानी कि अध्यक्ष महोदय को अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है, देखिए एक अधिकारी जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट नहीं लड़ सकता है, और सुप्रीम कोर्ट से कोई भी डायरेक्ट नहीं लड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट नाम ही उसका सुप्रीम है, उसके जजमेंट के खिलाफ आप कुछ भी इधर गलत गलत नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और जब आप किसी जिम्मेदार पद पर बैठे हैं तब तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्लियर। लेकिन हम जैसे सुप्रीम कोर्ट माई बाप होता है, सबका होता है, उसी प्रकार बीएड वालों का भी माई बाप सुप्रीम कोर्ट है, तो उससे हम अनुरोध कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं, कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करने की डिमांड कर सकते हैं। यहाँ लड़ने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम ये बात हो रही है कि जैसे सबको मौका दिया जा रहा है, उसे हमें भी मौका दिया जाए, कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, जिसको यहाँ पर स्पष्ट भाषा में हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने लिखा है। तो साफ साफ इसका कथन किस ओर इशारा करता है, इनका कथन आपने पढ़ लिया, स्पष्ट नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जो लिखना था उन्होंने लिख दिया, और इतनी बड़ी बात लिखी है जो कोई भी नहीं लिख रहा है। उत्तर प्रदेश में तो आज तक सरकार का कोई स्टेटमेंट आया ही नहीं है,
ठीक है, तो इतनी बड़ी बात अध्यक्ष महोदय ने बोल दी, यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब है कि आपके कल के ट्वीट से अगर देखें तो आपका बीएड का जो रिजल्ट आएगा बीपीएससी पीआईटी का वो प्रभावित होगा। लेकिन उन्होंने सरकार से डिमांड किया, यानी कि बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार किया है तो कुछ ना कुछ बीएड के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। वैसे इनके ट्वीट का क्या मतलब है, ये क्या कहना चाहते हैं, किस ओर इशारा करना चाहते हैं, अगर आप समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।